माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं। आपने मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016 पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और श्रम मंत्री जी का, जिन्होंने ये बिल लाकर यत्र नारियस्तु पूज्यते है वाली बात को सही मायने में क्रियान्वित करने का काम किया है, तथा भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए मैटरनिटी बिल में जो अमेंडमेंट किए हैं काबिले तारीफ है। माने उपाध्यक्ष महोदय, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इस मिथक को तोड़कर आज की नारी ने घर की देहरी, शहर और देश की सीमाओं को लांघ कर जो चुनौती स्वीकार कर एक स्वयं अपने लिए एक नई कविता का सृजन किया है, वो है धीर है, गंभीर है, शक्ति का तू पुंज है, सृष्टि की तू रचयिता, प्रेम की तू खान है, नारी तू महान है, नारी तू महान है, माता है, बहन है, जीवन की तू संगनी, मित्र है तू, गीत है, कविता है तू, छंद है, नारी तू मिठास है, नारी तू सुगंध है। ये वातावरण आज के दिन अध्यक्ष महोदय सर्वत्र दिखाई दे रहा है। नारी की, आज की नारी ने हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई है। घर की देरी पार कर वो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने में लगी है। चूल्हे चौके के दायरे से बाहर निकलकर उसने अपनी घरेलू छवि को स्वयं तोड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, नारी घर परिवार के साथ अन्य क्षेत्रों में भी अनेक दायित्वों का निर्वहन करती है, परंतु संतानोत्पत्ति का उसका जिम्मा जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक संतान के लालन पालन का, स्तनपान का, लाड दुलार का, सुरक्षा देने का जैसा अधिक महत्वपूर्ण जिम्मा भी उसे निभाना पड़ता है। इस कारण अनेक माताएं शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं ताकि बच्चे पैदा कर उनका पालन पोषण कर सके। कामकाजी महिलाओं के लिए दायित्व अधिक गुरुतर हो जाता है, क्योंकि संयुक्त परिवारों की अवधारणा अब समाप्त हो गई है। वहीं एकल परिवारों में पति पत्नी बच्चों के साथ कामकाज और संतान के पालन की जिम्मेदारी का निर्वहन माता पर अधिक आ जाता है, और इससे मानसिक दबाव भी माता के ऊपर अधिक बढ़ जाता है। यह महत्वपूर्ण बिल जो है, जिसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, माताओं को एक तरह से संबल देने का काम करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पारित होने से सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो गरीब दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग की वो महिलाएं जो कारखानों, फैक्ट्रियों और बागानों में काम करती हैं। अध्यक्ष महोदय, गरीब और दलित परिवार की मेरी जो बहनें और माताएं कारखानों में काम करती हैं, वो भी चाहती हैं कि उनके कोक से जो बच्चा पैदा हो उसका लालन पालन अच्छे से हो सके, भरपूर स्तनपान करा सके और निरोग और तंदुरुस्त संतान उत्पन्न कर सके। इस बिल में मातृत्व अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक करने का काम जो किया है, माता बहनों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। घर पर रहकर काम करने का जो अधिकार अब मिला है, उससे भी एक महत्वपूर्ण रात भरा कदम अपन कह सकते हैं। एक महिला 26 सप्ताह तक सवैतनिक अवकाश लेने के पश्चात निश्चित होकर कार्य कर पाएगी, साथ ही साथ बच्चे का लालन पालन करके पूर्णतः तंदुरुस्त बच्चे को तैयार करेगी, जिससे देश में बढ़ रही शिशु मृत्यु दर पर एक लगाम लगने का कार्य हो पाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो सरकार ने किया है, मैं उसकी सराहना करती हूँ, जिससे माँ बनने में असक्षम जो महिलाएं हैं, बच्चे गोद लेती हैं, उनको भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया है। महोदय, कारखानों और दफ्तरों में काम करने वाली हमारी बहनें और बेटियां प्रसूति के 26 सप्ताह बाद जब काम पर लौटती हैं, तो सरकार ने उनकी पीड़ा को पुनः समझा और इसके लिए उन्होंने शिशु कक्ष की सुविधा का प्रावधान किया, जिसमें माँ 4 बार जाकर बच्चे को दूध पिलाने से लेकर उसकी देखभाल करने का सराहनीय काम कर सकती है। महोदय, कारखानों और फैक्ट्री में मजदूरी करने वाली ज़्यादातर महिलाएं अपढ़ी लिखी हैं और अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। एक बहुत बड़ा सशक्त कदम ये भी है कि जिस समय वह नौकरी पर जाएगी, उस समय लिखित रूप से भी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जो बिल उसके सामने रखा जाएगा, जो शर्त इस बिल में है वो उसके सामने बताई जाएगी, ताकि वो सजग रूप से अपने अधिकारों का पालन कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, संगठित असंगठित क्षेत्र में महिलाओं
को कैसे इस बिल के दायरे में लाकर उनको भी ये लाभ दिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है, इस पर मंथन करके विचार करके मैं समझती हूँ इस बिल में ये प्रावधान रखा जाएगा। अंत में मैं मैटरनिटी बेनिफिट बिल अमेंडमेंट बिल 2016 का स्वागत करती हूँ, समर्थन करती हूँ। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।